नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बरसात का समय चल रहा है, बरसात में आपके इर्द गिर्द पानी भर जाता है। कृपया पानी को भरने ना दें। यदि आपके आसपास में गड्ढे हो रहे हैं तो उनको भर दें, और यदि जल निकासी नहीं है तो जल निकासी की व्यवस्था करें, क्योंकि पानी भरने पर वहाँ पर मच्छर पैदा हो जाते हैं जो कि आपको बीमार कर सकते हैं, आपके लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। कुछ डेंगू के मच्छर होते हैं जो साफ पानी के अंदर होते हैं। बरसात के समय पर जो आपकी टंकी होती है उसको प्रति सप्ताह साफ करें और क्लोरीन डालकर ही पानी को पिएं या पानी को गर्म करके पिएं, तभी आप डेंगू से बचाव हो सकता है। यदि आप जीव जंतुओं को भोजन और पानी देते हैं तो भोजन और पानी जिन बर्तनों में देते हैं उन बर्तनों की प्रतिदिन साफ सफाई होनी चाहिए या साप्ताहिक साफ सफाई जरूर करें। यदि आपके यहाँ पर कुछ बोतलें या कुछ टीन हैं तो उनको यदि सीधा रखा हुआ है, उनमें पानी भर जाता है, तो कृपया उनको उल्टा करके रख दें ताकि उनके अंदर पानी ना भर सके। साथियों, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस समय मच्छर पर डालने की जो दवाई होती है वो महीने के अंदर या सप्ताह के अंदर घर में जरूर छिड़काव कर दें, लेकिन छिड़कते हुए जरूर ध्यान रखें कि मुंह पर मास्क लगाएं या कोई कपड़ा बांधें, या जो आपके खाने पीने की वस्तुएं हैं उनको ढक दें, उन पर वो मच्छर की जो दवाई है वो नहीं जानी चाहिए। साथियों, बरसात के समय पर बहुत ही अटेंटिव रहना पड़ता है, हमें बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है कि बरसात के समय में अनेकों बीमारियां हो जाती हैं, अनेकों प्रकार के मच्छर पैदा हो जाते हैं, अनेकों प्रकार के जीवाणु और विषाणु पैदा हो जाते हैं। खाने पीने की चीज़ों पर हमने विशेष ध्यान रखना होता है कि कौन सी चीज़ों को खाना है, कौन सी चीज़ों को नहीं खाना है। यदि आप इन सब चीज़ों के प्रति सचेत रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तो अपने स्वास्थ्य को आप ठीक रख पाएंगे और अपना जीवन ठीक गुजार पाएंगे। इन सब बातों के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।